जी आपका नाम बताइए। अच्छा, रामकृष्ण पाल, रामकृष्ण पाल। किष्टा। रामकृष्ण पाल हाँ जी, तो आप ये काम, ये बर्तन बनाना, ये आप बचपन से कर रहे हैं? हाँ बचपन से कर रहे हैं। अच्छा, काम कुछ कुछ नहीं मिला तो बाबू के साथ बचपन से कर रहे हैं जी। तो आप मिट्टी में क्या क्या बना सकते हैं? हम। मिट्टी का जितना सामान ये बर्तन बनता है, हम समोसा सामान हम बनाता है, मैंने जितना ये है यहाँ का अभी चाहिदा है। अभी जितने तरह का बर्तन बनाए हैं सब आप ही ने बनाए हैं? हाँ हमें बनाया, हमें हम मेरा लड़का दोनों में अच्छा बनाया। अच्छा आपका लड़का भी बनाता है। हाँ उसको सिखा दिया। जी, अभी जो ये बनाए ये पकेगा अभी? हाँ आज नहीं पकेगा, 1-3 रोज के बाद पकेगा, ये सूखेगा तब। ये पक के एक बर्तन कितने में बेचते हैं? यहाँ तो बाजार ठीक नहीं है, ये वाला हाँ सराई 15 रुपया 20 रुपया। अच्छा, ये जी अभी सुराही बनाए हैं, हाँ ये 15-20 रुपया में हाँ बेचते हैं। बेचते हैं। हाँ अच्छा, और ये जो अभी मटका ये बनाए हैं? हाँ ये वाला ज़्यादा दाम है इसका, इसका 30 रुपया 25 रुपया 30-25 रुपया दाम है दाम है, छोटा बड़ा लेकर। जी। ये सब पक गया है? ये सब, हाँ ये वाला पक गया, ये घड़ा है ना? हाँ घड़ा मटका है, ये पानी मटका है। वाला। हाँ ये वाला, अच्छा, ये वाला पक गया। ये पका हुआ है? हाँ ये आपका भट्टी है हाँ इसी में अभी? पकाते हैं हम। अच्छा, इसी में पकाते हैं। तभी ये नीचे पका हुआ है? हाँ वो वाला पका हुआ चूल्हा बनाया उसमें, वो वाला चूल्हा हो गया। अच्छा, हाँ वो चूल्हा हो गया, उसका बाल कच्चा माल लगेगा और कोयला कोयला देकर कच्चा माल लगेगा, वो अच्छा चूल्हा हो अच्छा गया। तो पकने में मतलब 2-3 दिन लग जाता है? नहीं, 6 घंटा, 6 घंटे में छः पक जाता घंटा है? पक जाता है और अच्छा उसका ये होने से हाँ 6 घंटा 7 घंटा में हो जाएगा। अच्छा अच्छा मिट्टी के गुल्लक, अभी तो बहुत तरह के प्लास्टिक ये वो आइटम आ गया, अभी भी गांव में बनता है मिट्टी का गुल्लक, तो पैसा रखने जाता है, इसमें पैसा रखा जाता है। और ये क्या अंकल? रोटी बना के लिए, रोटी रोटी बना के लिए। अच्छा, ओ ये तवा है एक तवा तरफ है का मिट्टी का, इसमें रोटी बनाया जाता है। ये सारे आइटम मिट्टी का सब अंकल ने बनाए, उनके लड़के ने। शादी वाला, शादी में लगता है ये। ओ ये शादी में हाँ हाँ लगाया जाता है इसमें। हाँ शादी में लगता है। ये अंकल रहे हैं, ये पीछे धान झाड़ कर पुआल रखे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये अंकल का घर है। मैं अभी रुक गया, कितने सारे आम का पेड़, पूरा आम का बगान, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखने को मिल रहा है।
छोटे छोटे आम अभी पकड़े हुए हैं। सोचो जब इतना सारे पेड़ में, सोचिए अगर इतने सारे पेड़ मिलकर आम एक साथ देने लगे, कितना आम निकलेगा। खूबसूरत है ना।